आज देहरादून में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीनेशन कैंप लगे हुए हैं, जहां पर काफी अधिक संख्या में लोग उत्साह के साथ अपने आप को वैक्सीनेट करा रहे हैं। इसी बीच आज हिंदुस्तान न्यूज 24 की टीम हरिद्वार बाईपास रोड राधा स्वामी सत्संग आश्रम पहुंची है, जहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से इंतजाम सरकार द्वारा किए गए हैं, जिसमें काफी लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा चुके हैं और अभी वैक्सीनेशन कराने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं। अभी टिहरी लोकसभा सांसद माला राजलक्ष्मी शाह जी यहां पर आई और उन्होंने अपने आप को सेकंड डोज कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई, जिसमें उन्होंने वहां पर बैठे सभी लोगों का उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही हिंदुस्तान न्यूज 24 की टीम देश व प्रदेश वासियों से अपील करती है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा ली है, तो अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि मात्र और मात्र एक यही उपाय है जो कि वैक्सीन लगवाने से हम देश को कोरोना जैसी महामारी से बचाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि हारेगा कोरोना तो जीतेगा इंडिया। हिंदुस्तान न्यूज 24 की टीम पहुंची है देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड राधा स्वामी सत्संग केंद्र पर, जहां पर आज भारी मात्रा में 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। और आप देखेंगे काफी मात्रा में यहां पर लोग एक उत्साह के साथ टीकाकरण कराने के लिए आते हुए, और बहुत ही अच्छी सुविधा प्रशासन के थ्रू यहां पर की गई है। जो एक जिस तरह से संक्रमण फैला हुआ है, संक्रमण को देखते हुए एक बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर की हुई है। हम दिखाएंगे आपको, आप देखिए यहाँ पर मतलब एक सिस्टमेटिकली तरीके से जिस तरह से होना चाहिए बहुत अच्छी सुविधा के साथ, और एक अच्छी पहल यहाँ पर हुई है, और बाहरी से भारी मात्रा में यहाँ पर लोग टीकाकरण के लिए आते हुए से देखते हैं बात करके कितना आज यहाँ पे सुबह से और अभी तक कितने टीके लगाए गए हैं। और हमारे साथ कुछ टीकाकरण जिनको लग चुका है वो भी है, उनसे भी अभी जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपको टीका लग चुका है? पहला टीका लग चुका है, दूसरे के लिए बैठे हैं। आज दूसरा आज लगेगा? तो अभी लगा है? नहीं लगा। कितना आपको वेट करते हुए कितना समय हो गया है? 2 बजे से बैठा हूँ। 2 बजे से अभी? तो देखिए जैसे अभी हमारे साथ थे भाई साहब, पहला टीकाकरण ये ले चुके हैं और दूसरे के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं, और करीब आधा घंटा इनको हो चुका है, लेकिन अभी जैसे कि क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पर टीकाकरण चालू है, तो अभी जल्दी इनका भी टीका हो जाएगा। आइए अभी हम मैडम से बात करते हैं। मैडम, आपका टीकाकरण हो चुका है? नहीं, अभी होना, उसी के लिए आए। आप फर्स्ट हो चुका है या फर्स्ट आज है? नहीं, फर्स्ट है। फर्स्ट है जी। देखिए बहुत यहाँ पर आप देखेंगे एक लोगों में एक उत्साह, क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेट इन्होंने प्रोवाइड करा ली है। और टीकाकरण का अगर हम आप देखेंगे भी तो एक अच्छी सुविधा, जिसको कहें अच्छी सुविधा के साथ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी के साथ यहाँ पर टीकाकरण कराया जा रहा है। जो युवा हैं उनको आज टीकाकरण मुफ्त में लगाया जा रहा है। सरकार का प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण यहाँ पर हो पाए, और अच्छी संख्या में यहाँ पे लोग आज वैक्सीनेशन के लिए आ भी रहे हैं। तो हिंदुस्तान न्यूज 24 भी लगातार आप सभी लोगों से अपील करता आया है कि ज्यादा से ज्यादा 18 से 44 साल की जो भी एज है, सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन है, ज्यादा से ज्यादा आप वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, क्योंकि वैक्सीनेट कराने से कोविड-19 के संक्रमण का खतरा कम से कम होता है। तो हम बार बार अपील कर रहे हैं, आप सभी यहाँ पर आएं, जहाँ पर भी सरकार ने अपने ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हुए हैं वहाँ पर जाएं और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि उत्तराखंड में देखा जाए तो देहरादून में सबसे ज़्यादा कोविड-19 का प्रकोप बहुत ही तेजी के साथ संक्रमण फैलता हुआ अभी नजर आ रहा है। इसीलिए सरकार ने कदम उठाया, सरकार अपने टीकाकरण केंद्र जगह जगह बनाए हुए हैं। हमने आज देखा है ज़्यादातर केंद्रों पर भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं, एक हर्ष लोगों के अंदर नजर आ रहा है, आ रहे हैं और टीकाकरण करा भी रहे हैं। हिंदुस्तान न्यूज 24 की टीम सभी देश व प्रदेश वासियों से अपील करती है कि सरकार ने सभी प्रदेशों में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन जो है उपलब्ध करा दी गई है, इसलिए आप सभी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लें और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन लगाना बहुत अनिवार्य है, और वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि वैक्सीनेशन भी एक ऐसा जरिया है जो हमें कोविड संक्रमण से बचाएगा। देश में काफी तरह की अफवाहें फैली हुई हैं, लेकिन अफवाहों पर ध्यान ना दें, हम बार बार सभी से अपील करते हैं और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट कराएं। सोशल मीडिया पर फेसबुक पर कोई इस तरह की पोस्ट ना करें, क्योंकि हारेगा कोरोना और जीतेगा हिंदुस्तान। जय हिंदुस्तान। हिंदुस्तान न्यूज 24, सत्येंद्र चौहान, ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड।